तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि फेसबुक पर अपनी आईडी को हमेशा के लिए डिलीट कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप फेसबुक ऐप के ऊपर जाओगे और वहां पर अगर आप ऑप्शन ढूंढोगे फेसबुक आईडी को परमानेंट डिलीट करने के लिए, तो भाई आपको ना सिर्फ डीएक्टिवेट करने का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको परमानेंट आईडी डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से कि आप अपनी फेसबुक आईडी को परमानेंट डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको यहाँ पे स्क्रीन को फॉलो करना है और जैसे जैसे आपको मैं बताऊँगा आपको सेम टू सेम बस वैसे करना है और आपकी फेसबुक आईडी सिर्फ एक मिनट में आप हमेशा के लिए डिलीट कर पाओगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि दोस्तों आपको अपने फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को कर लिया है ओपन। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर ना आपको लिखना है facebook.com। सो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ facebook.com। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे facebook.com लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पर ना आपकी फेसबुक आईडी पहले से लॉगिन होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरी फेसबुक आईडी पहले से लॉगिन है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ना सबसे पहले यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों जब आपकी फेसबुक आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाना, उसके बाद दोस्तों आपको ना यहीं पर सर्च बॉक्स में लिखना है फेसबुक अकाउंट डिलीट लिंक, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक अकाउंट डिलीट लिंक, ठीक है। सो दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है और दोस्तों आपको सिंपली सर्च कर देना है। अब दोस्तों आपको ना यहाँ से हल्के से नीचे आना है, ठीक है। सो दोस्तों इस तरह से जब आप यहाँ से हल्के से नीचे आओगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक ये रेड कलर में यहाँ पे डी आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सो दोस्तों मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। सो दोस्तों मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, अब दोस्तों आपके सामने लिखा आएगा डिलीट फेसबुक, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट को सिर्फ डीएक्टिवेट करना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, मतलब एक महीने तक, तो दोस्तों आप यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। और अगर आप अपनी फेसबुक से बोर हो चुके हो या किसी रीजन के चलते आप अपनी फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर ना आपको एक कोई भी एक रीजन चूज करके आपको डाल देना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई अकाउंट हैक्ड, ठीक है। सो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सो दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब दोस्तों आपको यहाँ से सिंपली कुछ इस तरह से नीचे आना है एंड दोस्तों आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ना अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड एंटर कर देना है, जो भी आपकी फेसबुक आईडी का पासवर्ड है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ एंड दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ चुका है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो दोस्तों अब आपकी फेसबुक आईडी हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पर फेसबुक आईडी अभी लॉग आउट हो चुकी है। और दोस्तों अब जब आप यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी को ओपन करोगे तो दोस्तों वहाँ पर एक पेज आएगा जहाँ पर कि लिखा होगा कि यार आपकी आईडी 30 दिन के बाद हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट हो जाएगी। सो दोस्तों आप अगर चाहते हो ना कि यार मुझे अपनी फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना है, सो दोस्तों आपको ना 30 दिन तक अपनी फेसबुक आईडी को बिल्कुल भी लॉग इन नहीं करना है और 30 दिन के बाद ना आपकी फेसबुक आईडी हमेशा के लिए फेसबुक से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इस तरह की वीडियोज बनाता रहता है। तो वीडियो को करते हैं समाप्त, टाटा बाय, टेक केयर।